जो लोग ये बात करते हैं उन्हें अपने मजहब का पूरा ज्ञान नहीं, अगर वो पढ़ते तो उनको भी कोई ना कोई चीज कहीं नजर आती। अरब में पहले लोग अपने बुतों के नाम जानवर जुबा करते थे। अब ये रिवाज को मिटने तो नहीं दिया, मगर नियम बदल गए कि जहां तुम बुतों के नाम लेते हो इन जानवरों पर, वहां तुम अपने अल्लाह का नाम लो, अपने रब का नाम लो। और एक मुगाबता जो लोगों के जहन में आज भी है और डाला गया है कि भाई गौस पाक के नाम का बकरा, ख्वाजा साहब के नाम का बकरा, तो गैरुल्ला के नाम पर तो कोई जबा करता ही नहीं। अरे मैं यहां तक कहता हूं चैलेंज के साथ कि अगर किसी गैर का जानवर जो हलाल है उसने कहा कि मुझे ये फला माता के नाम पर उसको जबा करना है, मगर उसे कोई मुसलमान जबा करे बिस्मिल्लाह अल्लाह हु अकबर बोल करके, तो वो भी हमारे लिए हलाल है। तो देखिए इस्लाम दीन फितरत है, फितरत कहते हैं आदत को, कुछ आदतें मिटने नहीं दी, नीयतें बदल गई कि ये काम तो उसके लिए करते थे तो अब ये काम तो अल्लाह के लिए करो। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नजर आएगी इस दीन के अंदर, और कुछ जो गैर करते थे बस नीयतें बदल दी गई। नीयत अमल का दारो मदार ये नीयत पर, जब नीयतें बदल गई कि ये काम तुम अल्लाह के लिए करो। हम जो नमाज पढ़ते हैं किबला हमारी ये सिमत है, दिशा है पश्चिम की तरफ, तो हम काबतुल्ला शरीफ को सजदा नहीं करते, ये तो हमारे नमाज की किबले की एक सिमत है, दिशा है। हम सजदा तो अल्लाह ही को करते हैं, वरना फतेह मक्का के दिन जब आका ने सलाम मक्का शरीफ में हरम में दाखिल हो गए और नमाज का वक्त आया तो हजरत ने बिलाल से कहा कि काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान पढ़ो। तो क्या जिसको लोग सजदा करते हैं कोई उसके ऊपर चढ़ता है? मगर यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बता दिया कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ और अजान पढ़। हजरत बिलाल चढ़ गए काबतुल्ला शरीफ के ऊपर, और आज भी आप देखते हैं कि जब किला बदला जाता है तो लोग चढ़ते ऊपर। अब हजरत बिलाल चढ़ तो गए और खड़े रहे, थोड़ी देर सोचने लगे, तो आका ने आपसे पूछा क्या सोच रहा है बिलाल, अजान पढ़? बोले या रसूल अल्लाह मैं मदीने में अजान पढ़ता था तो रुख काबे की तरफ करता था, बहुत से जंग के मैदान में अजान पड़ी तो रुख काबे की तरफ किया, सफर में हजर में जहां कहीं गया मैंने रुख काबे की तरफ किया है, अब आपने मुझे काबे के ऊपर चढ़ा दिया तो मैं रुख किसकी तरफ करूं? तो अका ने सलाम रबिदा जिधर तेरा नबी खड़ा है इधर तो रुख करके अजान पढ़ो, इसलिए कि मैं काबे का भी काबा हूं। हाजिरों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और रही बात काबे की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के दौरान यह इरशाद फरमाया था कि ऐ खाने काबा तुझसे तो मेरी उम्मत के मोमिन की शान अफजल वाला है, मेरी उम्मत के मोमिन की शान अफजल और आला है। तो जब मोमिन की शान काबे से भी अफजल और आला है तो जिस पर ईमान लाए उस नबी के ईमान और उस नबी की जात और उस नबी की मोहब्बत का क्या आलम। इसलिए देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खलील जिसका माना है दोस्त, खलीलुल्लाह आप अल्लाह के दोस्त हैं, जिसको हम वली कहते हैं, वली का माना भी दोस्त जो अल्लाह का हो जाता है,
उसका हो जाता है, जो अल्लाह से दोस्ती करता है वो वली हो जाता है। हर नबी वली है, हर वली नबी नहीं। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हैं वो वली भी हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा गया, अल्लाह के दोस्त। तो फरिश्तों ने कहा कि ये तेरा दोस्त है, मगर ये तो अपने बच्चे की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तो जो अल्लाह से ही दोस्ती करता है वो फिर किसी गैर की मोहब्बत इसके अंदर नहीं होती। तो इम्तिहान, फरिश्तों के कहने पर इम्तिहान लिया, आपको आग में डाला गया। तो जिब्रील ने आके कहा कि आपको आग में डाला जा रहा है, मैं अल्लाह के पास से आया हूं, जो भी हुक्म हो मुझे दे दो, मैं अल्लाह को कह दू। तो आपने फरमाया हुआ इलैका फला, जिब्रील तेरे साथ मेरी कोई हाजत नहीं, जानता है वो मेरा रब्बे जलील कि आग में पड़ता है अब उसका खलील, वो सब जानता है, मुझे तेरी कोई हाजत नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आप पर आग ठंडी और सलामती वाली कर दी। फिर इम्तिहान कि अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो, तो एक शब के 100 ऊन, दूसरे दिन 200 ऊन, फिर तीसरे दिन 300 ऊन महंगे सुर्ख कार, जिसे तुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो मेरी राह में कुर्बान कर। तो कहा मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूं, उसके लिए भी तैयार हो गए। और आप गुलाम को पढ़ेंगे तो वो सारी बातें जो बाप बेटे के दरमियान में बातचीत हुई, अल्लाह और खलील के दरमियान में जो बातचीत हुई, वो सारी बातें कुरान में शाहिद है, कुरान में लिखी हुई। इसलिए कुरान को आपसे इसाले सवाब के लिए मत पढ़ो कि भाई ज़ियारत है, फातिहा है, इसको बख्शना है। कम से कम उस पर गौर फिक्र भी करो। इमाम गिजाली अलैहि रहमतुल्लाह कहते हैं कि पूरा कुरान पढ़ देना इससे बेहतर है एक आयत उसका तर्जुमा और उसके मफहूम को पढ़ लेना, समझ लेना कि भाई इस आयत में अल्लाह का क्या हुक्म है, इसका क्या मफहूम है, यह आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किसके हक में नाजिल हुई। ये सब चीजें, ये स्टडी मुसलमानों को होना बहुत जरूरी है। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते, मुझसे जो भी पूछना हो पूछो, मैं हर सवाल का जवाब कुरान से दूंगा, हर सवाल का जवाब कुरान से। और ऐसा भी नहीं कि लोगों ने पूछा नहीं, आपसे पूछा नहीं। एक साहब ने अपनी दाढ़ी के बारे में पूछा कि मेरी दाढ़ी में बाल कम क्यों है, इसका जवाब आप कुरान से दीजिए। तो आपने कुरान से ही उसका जवाब दिया कि आप बहुत सी जमीनों को देखते हो जहां सब्जा उगता है, कुछ जमीन है वहां सब्जा नहीं उगता, बंजर जिसको कहते हैं। तो आपकी जो ये दाढ़ी की जो जमीन है कुछ बंजर है, कुछ सरसब्ज वाली है, तो जो सरसब्ज है उधर बाल उगे हैं, और जहां कुछ ऐसी चीज है जहां बाल नहीं उगे, और कुरान से आए थे आपने जो है उसको साबित कर दिया। तो ये किताबुल्लाह, इसको आज बहुत जरूरत है कि मुसलमान, और अगर कुरान का भी चैलेंज है कि फसलू अहद जिक्र इनको ढूंढा था, नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, पूछो और सही कुरान पढ़ने की कोशिश करो, जो हाफिज कुरान हो। और चीजों में आप रिचार्ज करवाते हो, टीवी का करवाते हो, मोबाइल का करवाते हो, दूसरी चीजों में करते हो, तो कोई अच्छा हाफिज कुरान हो, एक टाइम निकालो दिन में 24 कल्लाक में कोई एक कल्लाक या आधा कल्लाक आप जाइए उनके पास बैठिए, हो सके तो रोजाना एक रुकू, दो रुकू या एक पारा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो उनसे इतना कह दिए कि बस मैं पढ़ रहा हूं आप सुनिए, और जहां गलती है आप मुझे बताइए, तो इस्लाह भी हो जाएगी, आप सही कुरान पढ़ते भी हो जाएंगे। और ये फिक्र ये सोच आज बिल्कुल हमारे अंदर
कि जहां अगर आप एराब में गलती करते हैं जीरो जबर में तो गुनाह भी होता है और नमाज भी फासिल हो जाती है। तो जो चीज हमें अपने हमारी लाइफ के लिए जरूरी है और उसको और उसकी तरफ हमारा फोकस रहना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, तो फिर देखिए आप हजरत सरकार गोस्वाम हो या और औलिया इकरम, बहुत से वली अल्लाह की ऐसी करामत है कि वो मां के पेट में थे और उन्होंने कुरान याद कर लिया। गोस्वाम तो वाले 1700 से 1800 साल के हाफिज बन करके दुनिया में तशरीफ ला, उनकी मां कुरान पढ़ती थी और वो मां के पेट में कुरान को याद करते थे। हजरत शाह आलम अहमदाबाद रमजान शरीफ में उनकी मां नमाज तरावी पढ़ रही थी और सूरह कुलिया जो अल काफिरून में एराब की गलती हुई, जीरो जबर में गलती हुई, मां से शाह आलम ने अपनी मां के पेट में आवाज दी कि मां वहां जेर नहीं जबर है, जबर पढ़ो, तुम गलती कर रही हो, पेट में से आवाज दी उन्होंने। तो ये क्या है सर? ये कुदरत की निशानियां नहीं तो क्या है? कलाम सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा दिया है। आज इसको हमारे सामने जलाया जा रहा है, आज हमारे सामने ही उसको माजल्ला सुबह माजल्ला उसे गुंडों की किताब कहा जा रहा है। क्यों इतनी जुरत, इतनी हिम्मत? आज बैर कर रहा है, ये तो भी उकसा रहा है। तो लिहाजा अगर हमारा ही अमल जैसे हिजाब का मामला उठा तो मैं जाता हूं बच्चों से कहता हूं कि भाई ये तुम्हारा हक है जो इस्लाम ने दिया है और तुमसे तुम्हारा हक छीना जा रहा है, तो होना ही ये चाहिए था कि तुम इसके लिए पाबंद बन जाती, तो उनको भी पता चलता कि हमने जितना छेड़ा ये तो उतने पाबंद हो गए। अगर आपको नमाज से रोका जा रहा है, किताबुल्लाह पढ़ने से रोका जा रहा है और अमल से रोका जा रहा है, आप इसमें मजबूत होते जाते तो दुश्मन खुद ही पीछे हट जाता, इनको जितना छेड़ा जा रहा है ये उतना उस पर जो है वो अमल पैदा हो रहा है। तो बगैर कुर्बानी के कभी कामयाबी नहीं मिलती। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो चीज की, जान को आग के हवाले कर दिया, माल को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, हत्ता के बेटे को भी जोर करने के लिए तैयार हो गए। ये चीज इन्होंने अल्लाह के लिए की। आप इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें से कोई हरगिज मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान, अपना माल और अपनी औलाद से बढ़कर के मुझे न चाहे। वहां अल्लाह को चाहने की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को इतना चाह रहे, अल्लाह के लिए ही कूद पड़े आग में, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क अक्ल है कि पहले तमाशा लगे बाप भी, वो इश्क था अल्लाह का कि आप आग के अंदर कूद पड़े। और यही चीज हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुजूर ने फरमा दी कि तुम ईमान वाले बनना चाहते हो या ईमान का दावा करते हो, तुम हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मुझे अपनी जान, अपना माल और अपनी औलाद से बढ़कर के तुम मुझे न चाहो। हुजूर को चाहो जान से भी ज्यादा, माल से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, मां बाप से भी ज्यादा हुजूर को चाहो तो तुम मोमिन कहलाओगे। इसलिए हमें तो यही समझ लें कि शायद 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, ये तो अमल है, अमल है, वरना ये सारे अमल हम करते हैं मगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो मोमिन नहीं है। अंदर सब खाली है, जैसे वो फुटबॉल लातों से इसको खेला जाता है कि अंदर हवा भरी हुई है। पर एक बुजुर्ग ने इसकी मिसाल दी कि आज मुसलमान भी फुटबॉल की तरह हो गए हैं कि इसके अंदर सिर्फ हवा भरी है, तो जो आता है उसे लात मारता है, जो आता है उसे लात, इधर वाला भी मारता है, उधर वाला भी मारता है, इधर वाला भी रोकता है, उधर से भी मारता है। तो आज ये चीज है और ज्यादातर अरब में तो इसका क्रेज इतना है,
कि आप जो लोग वहां रहते हैं आप उनसे पूछिए कि फुटबॉल के पीछे वो कितने दीवाने। जो असल चीजें थी वो मुसलमानों ने छोड़ दी और उसने अपने जहन को डाइवर्ट कर लिया दूसरी चीजों की तरफ। इसलिए आज दुनिया हमारे ऊपर आज हावी हो रही है क्योंकि हम दुनिया की तरफ बढ़े। और मैंने जुमा में वो मिसाल दी थी डेढ़ की वो दिया लिखा से गलती देखा करता वो बार वो होता नहीं रहा नहीं
आदम के लिए मुकर्रर हुआ तो वो मक्के में है। हजरत आदम की पैदाइश से पहले का वो घर है, पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर हजरत आदम ने, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और फिर यके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कई मरतबा इनोवेशन उसका हुआ। मगर अल्लामा इकबाल ने कहा, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास पाएंगे वो पास पा हमारा, सारे जहान वालों के लिए वो रहनुमा है। और वहीं से कुर्बानी का आगाज और मदीना मुनव्वरा से उसका ऐलान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बदनी जिंदगी में 10 बरस तक दो चितकबरे मेंढे खसी वाले, एक अपने लिए और एक अपनी उन उम्मतियों के लिए जो कुर्बानी कर न सके उनके नाम की हुजूर कुर्बानी करते थे, और कयामत तक के लिए यह हुक्म जारी कर दिया कि जिसके पास इतनी रकम हो वो कुर्बानी करे, उन पर कुर्बानी वाजिब भी, और कुर्बानी वाजिब होने का सबब फकत है। ज़कात का मसला अलग है, इस पर माल पर साल गुजरे, यानी आज की तारीख में मैंने 7.5 तोला सोना खरीदा, 52.5 तोला चांदी खरीदी, आइंदा साल जिलहज की 3 तारीख को एक साल खत्म पूरा हो जाएगा, अब ज़कात फर्ज हुई, अब 40वां हिस्सा निकाले। मगर कुर्बानी में मामला अलग है, पूरा साल में गरीब था, ईद के दिन इतनी रकम मेरे पर आ गई, उसी दिन मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, और पूरा साल मेरे पास पैसा था मगर ईद आने से पहले पूरा रकम खत्म हो गई, खर्च हो गई, अब मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तो कुर्बानी वाजिब होने का सबब भी वो वक्त है। अब तो प्लॉट भी है, बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, और 33,000 रुपये अब तो जेल में लेके मिलते, और फिर सोचा कि 27,000-28,000 का बड़ा जानवर मिलता है, छोटा जानवर भी इतनी कीमत में मिलता है, तो मेरी काफी रकम चली जाएगी, तो मैं करूं क्या। तो बहुत सारी तंजीमें जो 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 में कुर्बानी करती, और अगर आपको भरोसा है तब आप वहां नाम दर्ज करवाई, वरना आजकल भी लोगों ने कारोबार बना लिया, उसको भी कारोबार बना लिया। लिहाजा जो इबादत है उसे इबादत रहने दे, उसे तिजारत ना बनाए, इबादत है तो उसे इबादत ही रहने दे, उसे तिजारत ना बनाए, क्योंकि कुर्बानी इबादत है वो तिजारत नहीं। और मैंने शायद एक बात कही भी थी आपको पहले भी, हमारे खेड़ा एक तंजीम ने विदेशों से पैसा आता था कुर्बानी के लिए, मगर पैसा बाहर से आता था तो जाहिर सी बात है बाहर वाला आदमी थोड़ा देख रहा है, मगर इत्तेफाक एक दफा ऐसा हो गया कि वो बाहर से जो भेजता था वो आ गया वो इंडिया में, और सोचा कि लाओ करीब का दिन है तो मैं अपने माथे की आंखों से जाकर के कुर्बानी देख लू। अब उसने फोन किया तो कहा कि ईद के दिन दूसरे दिन कुर्बानी आपकी होगी, कहा ठीक है, और दूसरे दिन वहां जाकर के वो पहुंच गया, न कोई जानवर मिला न कोई कुर्बानी मिली। जब पता चला वही क्या कर रहे हैं हम, ये वाजिब है और उसके साथ आप खिलवाड़ करते हैं, तो पड़ोसी ने कहा कि आप ही के पैसे से तो इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, इनकी अच्छी खासी बड़ी दुकान है सिटी में, इतना बड़ा बंगला तैयार हो गया, अब क्या होगा आप ये सोचिए। जब एक मुसलमान मुसलमान को धोखा देता, और ये जब चीजें हमारे अंदर जब होने लगी तो जाहिर सी बात है तखवा बिल्कुल खत्म होने लगा, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा बरतानिया की एक बात मुझे याद आई, एक मुसलमान पड़ोस मुल्क का यूके में नौकरी करने के लिए गया, 2-5 वर्ष वहां नौकरी की, जब उसको सोचा कि मैं अब अपने वतन जाऊं, तो जिसके मकान में रहता था वो ईसाई था, वो वहां के बेल का सिस्टम क्या है अंग्रेजी भी नहीं आती थी, तो मकान मालिक के पास ही अपनी तनख्वाह जमा करा था, और काफी लाखों रुपये हो गए थे 2-5 वर्ष में।
जब उसने सोचा कि मैं अपने वतन जाऊं कुछ खरीदी करूं घर वालों के लिए, उसने कहा कि आप मेरा पैसा लौटाइए। कहा कैसा पैसा, कौन सा पैसा, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह, इसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब जाओ तो कहां जाओ, अदालत में पुलिस स्टेशन जाओ, मेरी जबान कोई समझता नहीं, कोई समझने वाला हो तो उससे बुला करके बात करो। तो एक साहब मिल गए, उनको सारी हकीकत बताई कैसा है। तो कहा कि आप ने कोई गवाह रखा है? बोले कोई गवाह नहीं, अब मैं करूं क्या। तो उसने कहा कि देखो बाजू में चल से पादरी साहब रहते हैं, नाम बताया, आप उसको ये उसको फॉलो करता है, आप उसके पास जाएंगे उससे फरियाद करेंगे। तो वो गया पादरी ने उसको बुलाया, कहा ये आपका किराएदार है? बोले हाँ। कहा इसका पैसा आपके पास है? तो कहा कोई मेरे पास पैसा नहीं, ये कह रहा है कि मैं इनको देता था और आप मना कर। मगर वो पादरी ने उसके चेहरे पर से उसको परख लिया कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो कहा ठीक है, एक चिट्ठी से मंगाई, चिट्ठी में बात लिख दी और पत्र लिखा, इसे घर जाके पढ़ लेना, घर जाके पढ़ लेना। उसने सोचा घर जाके क्यों पढ़ लो, यही पढ़ लो। तो उसने वही खोल के पढ़ लिया और चिट्ठी को बंद करके जेब में रख दिया। मुसलमान का हाथ पकड़ा, कहा चल तेरी जितनी रकम मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा वो कब से समझा रहा था, मैं समझा रहा था आप नहीं माने, तो लाओ मुझे भी दो वो खत, इसमें क्या लिखा है तुम्हारे पीर ने तुम्हारे पादरी ने। कहा वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो उसने भी कहा कि फिर मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, जब आप ले जाओ नहीं चाहिए। तो कहा ऐसी बात है, कहा तो बताना पड़ेगा। बोले हाँ। कहा इसमें मेरे पादरी ने ये लिखा कि तू कब से मुसलमान हो गया कि तू अपने भाई का हक मान। मैंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ईसाई हूँ, चल तेरा सारा सारी रकम में, यानी हमारा हमारे इस पर एक तमाचा है कि मुसलमान वो होता है जो अपने भाई का हक छीनता है। उसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ईसाई हूँ, चल मैं तेरी सारी रकम लौटाने के लिए तैयार। और ये चीजें आज बोली, मगर नीयत में जब अभाव पैदा हो जाता है। हमारे वालिद साहब कभी कभी कहते थे कि किसी की भी ईमानदारी परखनी हो तो उसे पैसों का हिसाब किताब दे दो, पैसों का हिसाब किताब दे दो कि कितना ईमानदार है वो पता चल जाएगा। तो फिर मैंने भी बाजार बाजार में अपने वालिद साहब से कहा कि जो बटियाला बनता है वो चाहता भी तो है, वो चपता है इसका मसला कि नमकीन है कि फीका है कि खट्टा है कि मीठा है। मगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला का भी इस वक्त कौन है? तो अल्लाह ताला ने ये मत समझिए कि मैंने अपनी अकल से कमाया है, बल्कि यूं कहिए कि मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे अता किया है। अब जब वक्त आया है जकात का तो मैं जकात अदा करूं, वक्त आया है बीवी बच्चों के पीछे खर्च करो तो वो खर्च करो, माँ बाप के पीछे खर्च करो। क्योंकि हजरत अली भी फरमाते हैं और हुजूर का भी फरमान है कि सबसे बड़ा सदका यही है कि इंसान जो कमाता है वो अपने बीवी बच्चों के पीछे खर्च करे, ये सबसे बड़ा सदका है। वरना हमारा तो हाल ये है कि हम अपने घर पर तमाचे मार के लाभ करके बाहर निकलते हैं और घर का हाल कुछ और है, बाहर कुछ और हो रहा है, घर में कुछ और। तो अल्लाह ने दिया है तो अब ये चूर और चरा में आप मत पड़े, बल्कि खुश दिली के साथ कि मुझ पर वाजिब है, आज इतनी बड़ी रकम मेरे पास है, अगर मेरी आंख बंद हो गई तो इसका मालिक फिर कल कोई और हो जाएगा। तो जब अल्लाह ने मुझे इसका मालिक बनाया है तो जो हक है इसमें से मैं उस हक को अदा करूं। वरना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अगर ये दुनिया दिल लगाने की जगह होती तो जो भी पैदा होता है वो रोता हुआ आता है, रोता हुआ ही आता है। तो इसे पता चला कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, यहां आकर के आंसू बहाओ।
अश्क अख्तर आंख से, यानी किसकी याद में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, उनकी यादों में जो टपका अश्क अख्तर आंख से, मंजिलत में अर्श का तारा नजर आने लगा, मंजिलत में अर्श का वो तारा नजर आने लगा जो हुजूर की मोहब्बत में आंख से आंसू निकले, है ना। जैसे एक और नात के अंदर भी आपने मेरी मौत पर न जाओ, मेरी मौत एक घड़ी है, मेरे गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी जिंदगी बड़ी है, मैं यानी मौत का एक टाइम सबके लिए मुकर्रर है, आएगा मेरे लिए भी आएगा, लेकिन जब मैं दुनिया छोड़ चुका हूं तो उस वक्त मेरी मौत के बारे में गौर फिक्र मत करना, मेरी जिंदगी के बारे में सोचना कि मेरी जिंदगी किया ही नहीं है। ये मत सोचे कि मैं मारता होता
तो मैं जाता हज के लिए या मैं कुर्बानी करता या मैं ज़कात देता, मगर इसमें भी अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हारे लिए सवाब रखा है कि माँ बाप है उनका चेहरा हंसी खुशी से रोजाना देख लो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता करेगा। तुम सदका कर लो, तुम किसी चीज को हटा लो, तुम्हें इसका सवाब मिल जाएगा, तुम्हें उसका सवाब मिल जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लिहाजा उसको अमल में लाने की जरूरत है। और आखिर में एक बात ये अर्ज करूंगा कि ईद का मौका है, एक बहुत बड़ी गलती हमारे बच्चों से हो गई और बहुत नुकसान हमारा अपना हुआ। आप बच्चों को जमानत नहीं मिली, हम तो चाहते थे कि आज उनकी बेल हो जाती, मगर फौरन ने जमानत नहीं दी। करीबन 3 या 4 बच्चे बाहर आए, जिसमें आज सुबह में 12 बजे पुलिस स्टेशन में था, देखा कि 44 बच्चे पर FIR दर्ज हुई है, 44, जिसमें FIR एक पर है, इसमें 16 लोग पुलिस की पकड़ में है, बाकी सब फरार है। और जब तक ये कानूनी प्रतिक्रिया और ये कानूनी मुआवजे ये नहीं कर लेते, तब तक तो ये चीजें होती रही। एक इतनी बड़ी अफवाह फैल गई और जज्बात में आकर के हमने बगैर सोचे समझे कदम उठा लिया। आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप पूछ लो भाई गोबा मोहल्ला में क्या कुछ हुआ है, बाड़ी मोहल्ला में क्या कुछ हुआ है। एक अफवाह फैल गई इधर से उधर उधर से उधर। आज एक पाव भाजी वाले के नारी पर मैं पाव भाजी लेने के लिए गया तो मुझे देख करके 6 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा क्या हुआ, मैं क्यों आए हो, मैं फिर तुम्हारा ग्राहक बन के आया, डरते क्यों? जैसे कामगारी में से मैं उतरा दुकान पर मैं गया तो वो पीछे हट गए। मैंने कहा यार तुम लोगों को यानी एक दहशत एक खौफ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमला करने आया हो ये आया हो। और ये चीजें गैरों ने भी मिलकर के की और कुछ हमारे लोगों ने भी की, और ये अमरीका और ये यूरोप के लोगों ने ये चीजें मुसलमानों से मिल करके उन्होंने की है। और आज उसे खत्म करने के लिए बहुत खड़े हो गए। और मैं कहता भी हूं कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार खुद मुसलमान हुआ है, आतंकवाद के हाथों से सबसे ज्यादा मुसलमान मरा है। और मैंने खुद इराक में रह करके देखा है कि इराक की कोई दरो दीवार मैंने ऐसे नहीं देखे पूरे बगदाद में कि वहां गोलियों के निशान न हो दरो दीवार के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि दीवारों पर इतनी गोलियां चली हैं, तो जिनके परिवार के लोग गए हैं और अच्छे अच्छे घर के खासे लोग जवान जवान बहु बेटियां मस्जिदों के दरवाजे पर आकर के हाथ फैला रही है, उन्हें देख करके हमें रोना आता है कि आज ये हाल हो गया इन लोगों का। तो ये इनके मकसद यही है, मुसलमान से उसका कारोबार छीन लो, मुसलमान को कमजोर करो, हर मैदान में उसे मात दो ताकि अपने आप खुद कमजोर हो जाए। मगर मैं ये नहीं मालूम कि मुसलमान को उसके खुदा की जात पर सबसे बड़ा भरोसा है। रोजी हमारी कल्ला और उसने जो लिखा है वो करेगा और वो कर रहा है। अगर हमारे और आपके हाथ में ये चीजें होती तो तुम कब से लोगों को भूखा मार देते। लिहाजा हमें अपना तसव्वुर और अपना ज़हन कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाना है और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल पैदा हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस यही तंजीम का होने का मतलब यही है कि ये तंजीम शेख उल इस्लाम ट्रस्ट हो या जितनी सुन्नी सहीहुल अकीदा तंजीमें हैं उनका काम भी यही है कि आप नेक बने, आप एक बने, आप अपने ज़हन को पाक और साफ सुथरा बनाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी आप अपनी जिंदगी को गुजारे। यही हेतु हर मिशन का होता है जो सुन्नी सहीहुल अकीदा जितनी तंजीमें हैं। और हमारे पीर मुर्शिद हुज़ूर शेख उल इस्लाम बन मुस्लिमीन की
40 बरस की आप जिंदगी को देखें तो जो तकरीरें आपकी हुई है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर ही हुई है, इसके अलावा आपने कोई दूसरी बात इधर उधर की नहीं की है। बस हुजूर को ही आप अपना आइडियल बनाए, अल्लाह के नबी को अपने जानुद्दीन से ज्यादा चाहे, और जिन्होंने चाहा वो कामयाब हो गए, यहां भी हो गए, इंशाल्लाह आखिरत भी उनके लिए कामयाबी है। तो लिहाजा फसल ले रब्बे का मनहर, अल्लाह पाक ने फरमाया है वो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। तो पहले नमाज है, बाद में कुर्बानी है, तो अगर नमाज से पहले कोई कुर्बानी करेगा तो वो कुर्बानी होगी नहीं। हाँ, जहां नमाज नहीं होती ईद की देहातों में, वहां फजर की नमाज के बाद अगर वो कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर देहातों में भी अगर ईद की नमाज होती